वेलकम टू पोलो। नेचर करेगी नर्चर बॉडी माइंड एंड सोल का होगा एक ही फ्लो एट पोलो। हेलो इंडिया, नमस्कार। आज पोलो गुजरात के इस नेचुरली ब्यूटीफुल और स्पिरिचुअली एनलाइटेंड स्पेस में हमें मिलेगा वर्ल्ड हेल्थ के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, योग। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुजरात के 75 स्थानों पर होगा योग, जुड़ेंगे लाखों लोग। आप भी योग करें, फिट रहें। My favorite yogasan is Vrikshasan. This is something I try to do a lot of times, say in practice or during competition, because this is something that will help me with my concentration and focus levels. नेचर हमें सिंपल, ऑर्गेनिक और हेल्दी लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करता है, बिल्कुल अपने पोलो फॉरेस्ट की तरह। हमारे आज के आसन हैं पार्श्वोत्तानासन, जो पैरों और लंबर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बकासन, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर करता है। सेतुबंध सर्वांगासन, ये लोअर बॉडी से फैट घटाने में इफेक्टिव है। तन मन में सो रंग भरो, योग करो, योग करो। कौन सा योगासन करना चाहिए चेहरे का ग्लो बरकरार रखने के लिए? वैसे तो सभी योगा करने से हमारे चेहरे पर ग्लो आता है, लेकिन उष्ट्रासन और सर्वांगासन करने से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन संतुलित रहता है। तो जो आजकल के समय में बहाना बनाते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो अगर वो सिर्फ 10 मिनट निकालें तो वो कौन सा योगासन उन्हें करना चाहिए? आजकल के समय में सिर्फ 10 मिनट निकाल पाए तो मेरे ख्याल से सूर्य नमस्कार बेस्ट है। पोलो की एंशियंट सिटी हरणाव नदी के किनारे बसाई गई थी, जिसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। यहाँ के जैन मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर पर तो टूरिस्ट्स आते ही हैं, साथ ही यहाँ की एनिमल बायोडायवर्सिटी और रेयर मेडिसिनल प्लांट्स मेडिकल रिसर्च स्टूडेंट्स को भी काफी अट्रैक्ट करते हैं। इस जंगल की असीम शांति लोगों को पोलो फॉरेस्ट की तरफ विशेष रूप से आकर्षित करती है। तो आप भी तैयार रहिए गुजरात के पोलो जंगल घूमने के लिए, और साथ ही आसपास के ईडर हिल, अंबाजी और खेड ब्रह्मा मंदिर वगैरह देखना ना भूलें। उम्मीद है कि योग से आपकी हेल्थ भी पोलो के इन फॉरेस्ट्स की तरह हमेशा हरी भरी रहे। आप भी योग करें, फिट रहें। जय हिंद।